हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पहले दिन जोर का झटका है, बड़े जोर से लगा है। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी 22,475 रुपये लॉस में जा रही है। निफ्टी तो खैर 1.5% ही गिरा था, बैंक निफ्टी जो है 3.5% गिरा फ्राइडे को। 3:30 बज नहीं रहे थे तो लग रहा था कब बंद होगा मार्केट, कब बजेगा 3:30। पोजीशन को देख देख के ऐसा हाल हो रहा था। बट ये पहला ही दिन था, हमने एक्सपायरी के दिन ट्रेड लिया और नेक्स्ट डे ही बैंक निफ्टी 3% गिर गया। तो ये अगर जिसने भी पोजीशन नहीं बना रखी, जिसने बना रखी थी उसके लिए तो अच्छा लेसन है, जिसने नहीं बना रखी वो भी देख ले कि कैसे आपको स्ट्रेटजी को जो है एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आ जाए जो कि हम ऐसा बाजार गिरना देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं, एक्सपायरी के आसपास लास्ट डे जब हमारी पोजीशन एग्जिट होने वाली, ना कि पहले दिन जितने हमने बनाए उसी दिन गिर गया 3%। तो बहुत बुरा फंसे हैं हम लोग। अब इसको एडजस्ट कैसे करना, तो खैर जो ये लॉस दिखा रहा है ये फिलहाल तो लॉस है नहीं, ये तो टाइम वैल्यू है उसका लॉस है। 23 तारीख तक अगर बाजार यहीं पे रहता है तो ये स्ट्रेटजी हमको 16-17 हज़ार रुपये प्रॉफिट देती जाएगी। मतलब अभी जैसे बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है आपका 40,345। एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी 40,345 रहता है, 345, तो ये हमें 15,000 रुपये, 15,850 रुपये का प्रॉफिट देगी। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि अब इसको एडजस्ट कैसे करें। फिलहाल तो एडजस्ट करना नहीं है, एडजस्ट कब करना है, जब ये स्ट्रेटजी जो है और लॉस दे, मतलब मार्केट और गिरे। सीधी सी बात यह है कि जब मार्केट अगर लगता है कि अब मार्केट और गिरेगा तब हमको इसको एडजस्ट करना पड़े। तो कहाँ से एडजस्ट करना है हमको इसको, ये देखिए बैंक निफ्टी है, ये इसके लेवल्स हैं, ये प्योर लेवल्स हैं। मार्केट गिरेगा तो ये जो लाइनें खींच रखे ना बने यहीं पे आके रुकेगा। पहला कहाँ पे आके रुकेगा, 39,870, ये गिरेगा 39,870 तक आएगा और हो सकता है यहाँ से बाउंस करे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कल खुले मार्केट वो थोड़ा ऊपर खुले। ठीक है, फिर अगर उसको तोड़ेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 39,135, 39,135 तक आ सकता है अगर इसने 39,870 को तोड़ दिया तो। ठीक, उसके बाद उसको भी तोड़ेगा तो कहाँ, 38,400, उसको भी तोड़ेगा तो 37,400 के आसपास। तो ये चार टारगेट आते हैं बैंक निफ्टी के, अगर यहाँ से 39,870 को ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें तो सबसे पहले 40,000 का वेट करना, निफ्टी 40,000 तोड़ता है तब हमें अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब उसके बारे में सोचना है तब एडजस्ट नहीं करना है, तब सोचना है। ओके, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी 40,000 ब्रेक करता है, उसके बाद 39,870 तक आता है, वहाँ पर से अगर बाउंस कर जाता है तब हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। अगर निफ्टी 39,870 को ब्रेक करता है, ठीक है, और 39,800 के आसपास आता है, तो 39,800 जब ये स्पॉट में आएगा तब आपको इसके दो फ्यूचर सेल करने पड़ेंगे। ओके, दो फ्यूचर आप सेल कर देंगे, उसके बाद अगर ये बैंक निफ्टी गिर के 37,000 भी आ जाता है या 35,000 भी आ जाता है तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। ओके, 39,800 आते ही आपको क्या करना है, दो लॉट फ्यूचर के इसके सेल कर देंगे। ओके, दो लॉट ऑफ फ्यूचर सेल कर देंगे, आपको कोई लॉस नहीं होगा, स्ट्रेटजी पूरी सेफ हो जाएगी, कहाँ तक बाजार कितना भी गिर जाए। तो क्या करना है, 39,870 एकदम जल्दीबाजी में नहीं खरीद लेना। मान लो क्या हो कि 39,870 पर आपने इसको दो फ्यूचर यहाँ पे आपने सेल कर दिए। अब होता क्या है, कभी कभी जैसे ये सपोर्ट लेवल है इसके नीचे जाता है फिर बाउंस कर जाता है, तो ये भी हो सकता है आपके सामने कि 39,870 के नीचे, 800,870 के नीचे गया, 39,800 तक आया और फिर उसने बाउंस मार दिया और आपने बाई कर लिया, आप उधर फंस गए। उस केस में क्या करना है, 39,870 के ऊपर आता है आपको तुरंत अपनी जो फ्यूचर सेल है उसकी पोजिशन को एग्जिट कर देना है और वेट करना है। ठीक है, और जिस दिन हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उस दिन हम बात कर भी रहे थे कि ये जो रेंज में हमें बस बाजार चाहिए इसके और इसके बीच में, तो इसने पहले दिन दे दिया। अगर यही सेम चीज़ गिरावट
10 तारीख तक में आती तब तो बहुत ही बढ़िया होता है। जो ये हमारा इधर पे 22,000 का लॉस दिख रहा है ना, ये हमारे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा होता। ओके, कम से कम 5-6 हज़ार का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा होता अगर 9-10 तारीख तक आ जाते। तो अभी क्या है, अब अपने को वेट करना है। इसके नीचे जैसे ही जाएगा 39,800 आते ही आपको क्या करना है, फ्यूचर के 2 लॉट सेल कर देने। ठीक है, फ्यूचर 2 लॉट अगर आप सेल कर देते हैं तो बैंक निफ्टी कितना भी गिर जाए उसके बाद पूरा महीना में कहीं भी गिर जाए आपको कोई लॉस नहीं होगा। 39,800 पर 39,800 5,850 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके नीचे कितना भी गिर जाए आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको फ्यूचर के लेवल से सेल नहीं करना। अभी जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर कितना दिखा रहा है, 40,700 करीब है, 689 है, तो 40,700 करीब है। बट यहाँ पर अगर आप स्पॉट का लेवल देखें तो 40,345 है, तो करीब करीब 350 पॉइंट की प्रीमियम है इसमें। तो स्पॉट के लेवल पर जब ये 39,800 को ब्रेक करेगा तब उसके बाद आपको आपकी पोजीशन को सॉरी आपको बैंक निफ्टी के 2 फ्यूचर यहाँ पर सेल करने हैं, तब आपकी पोजीशन जो है 0-0 पे होगी। और उसके बाद कितना भी गिर जाए आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 5,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। ब्रोकरेज वगैरह काट दें तो 4,000 का आपको मिनिमम यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाजार कितना भी गिर जाए। अब यहाँ से अगर बाउंस होता है तो मैंने आपको बताया 870 के ऊपर आते ही आपको आपके फ्यूचर को एग्जिट कर देना है। ठीक है, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि इतना नीचे जाएगा। वो जो अदानी की खबर आई थी उसके कारण से बाजार इतना गिरा है, और मुझे लगता है कि अदानी की खबर पच जाएगी और एक अच्छा लेवल मिलेंगे अदानी के स्टॉक खरीदने के लिए। अगर मैं वैसे मैं तो कभी अदानी के स्टॉक खरीदे ही नहीं, मुझे पता था इस तरह का दिन हो सकता है अदानी में, इसलिए किसी ने भी मेरे से कुछ भी पूछा हो तो मैंने कभी अदानी खरीदने के लिए नहीं बोला। लेकिन अगर मेरे को अदानी का स्टॉक बाई करना है तो मैं अभी जो है अदानी पोर्ट का स्टॉक बाई करूँगा, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा एक और है अदानी पावर, उसको भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है अदानी पावर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरे डिजिटल कनेक्शन करने के बाद फिर अदानी को वो थोपेंगे पूरा, तो अदानी पावर के लिए तो बढ़िया है और अदानी पोर्ट का बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। तो आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, अगर मैं अदानी पे इन्वेस्ट कर रहा होता तो मैं फटाक से मंडे को अदानी पावर और अदानी पोर्ट को खरीद लेता। इसका उसके आधे हो जाते तो मैं और ख़रीद लेता, क्योंकि मेरे को मालूम है इनका बिजनेस अच्छा है तो ये ऊपर ही जाएंगे। ओके, तो मार्केट में गिरावट है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक ब्रेक हो सकता है 39,870 पर, और यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए कल ही। मेरे हिसाब से तो इसको कल ही इसको 40,000 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। बट अब क्या है, मार्केट में तो चलाता नहीं, क्योंकि मैं 40,000 आते ही यहाँ पर 1,000 करोड़ डाल दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम केवल जो एक टेक्निकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इसको फिलहाल अभी 40,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं से बाउंस करना चाहिए। और यही रेंज जो हमने बताई थी कि इस रेंज के बीच में मार्केट घूमे इस पूरे महीने, तो यहीं पर घूमना चाहिए। अभी 1 तारीख बजट का भी दिन है, उस दिन तो बड़ी कैंडल बनेगी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो उस दिन भी देखना क्या होता है। तो 39,800 आते ही आँख बंद करके 2 लॉट फ्यूचर सेल कर दीजिए, आपको कोई लॉस नहीं होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ओके, तो फिलहाल ये है पोजीशन हमारी। अभी देखिए 40,000 का पुट 700 रुपये में चल रहा है, वैसे एक्चुअल वैल्यू इसकी 0 है। ठीक है, तो ये वो जो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा जब 22,000 है, तो वो प्रीमियम है, और साथ ही साथ जब मार्केट इतना गिरता है वॉलीटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अभी 3 दिन बाद अगर मार्केट यहीं पर रहेगा और वॉलीटिलिटी एकदम घट जाती है, मार्केट शांत हो जाता है, तो ये जो 22,000 का लॉस यहाँ पर दिखा रहा है ये आपको घट के 10,000 ही रह जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कैसे चलता है, और होप आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से आपके अपनी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करना है। और आपको 2 फ्यूचर तो लेने ही पड़ेंगे इसको एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स और जो दूसरे ऑप्शन की पोजीशन है उनका वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।